कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव को जरूरी बातें बताई। शिवपुरी जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा यादव ने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के साथ बैठक कर आम जन की समस्याओं से रूबरू हुई। इस दौरान जन सुनवाई के संबंध में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव को कुछ जरूरी बातें बताई। देखो, हमारे यहाँ पे काफी योजनाएं हैं, आप सरकार बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे उसमें देती है, तो योजनाएं जितनी हम ज़्यादा जान पाएंगे, हमारे नॉलेज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं रहेंगी, आप नीचे स्तर के इंसान तक उतनी ही ज़्यादा उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। अगर आपको योजनाओं के बारे में ही नहीं पता होगा प्रतिनिधि को, तो वो नीचे के स्तर तक के इंसान की मदद नहीं कर सकता। तो जितना आप ज़्यादा उसको सीखने की कोशिश करेंगे या नॉलेज में अपने रखते हैं, उतनी ही आपको एक उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जी, मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार से जब भी जन सुनवाई हो तो मैं उपस्थित रहूं। जब भी मैं फ्री होती हूं तो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल जन सुनवाई में उपस्थित रहूं। इससे मुझे मेरे देश, मेरे क्षेत्र के लोगों के बारे में पता पड़ता है और उनकी ज़रूरतें, जो कई बार हो जाता है कि मेरे साइड के लोग मुझ तक पहुँच जाते हैं लेकिन जो हमारा क्षेत्र बड़ा होने की वजह से जो दूर का इंसान है वो मुझ तक नहीं आ पाता, तो वो मुझे यहाँ पर आराम से अवेलेबल हो जाए। नहीं, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करती हैं, उपाध्यक्ष पूरे जिले पंचायत के लिए हैं, तो पूरे जिले के प्रतिनिधित्व करते हैं और जिला पंचायत के सदस्य शर्मा जी भी आए हुए हैं। उन सबको कलेक्टिव रूप से सोचना है, जो एक और एक 11 कहते हैं ना, वो यही है कलेक्टिव रूप से सोचना। प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधि मिल के करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। बाकी ये उनका काम का हिस्सा है, तो आज उन्होंने उसमें रुचि लेकर के लोगों को सुना। बाकी तो वो तीनों बता पाएंगे, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और शर्मा जी।